शरणम सबको जय सिया राम। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी की दया, हमको विदेशी धरती पर आने का सौभाग्य मिला और आप सबको कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। और पहली बार हमने ऐसी कथा गाई है कि श्रोता ऊपर है, हम तो देख के चौंक गए। आने के बाद दो मिनट तो हमारा होश ठिकाने नहीं रहा, तो हमें लगा कि अभी हमारा मंच कोई लिफ्ट होगी ऊपर जाएगा। अपन तो गांव के आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, पढ़े लिखे आए ही नहीं और पहली बार ऐसे फंसे। लेकिन जब ऊपर नहीं गया तब हमें समझ में आ गया कि हम फिक्स हैं। जब पहले ही श्रोता ऊपर है, अब कथा से कितने ऊपर जाएंगे भाई। कथा तो ऊपर पहुंचाने का काम करती हो, आप तो ऑलरेडी बैठे। नीचे वालों को ऊपर कथा लाती है, मनोरंजन करती, मनोरंजन नहीं करती, याद रखना, मनोरंजन करती कथा, ये याद रखना, ये एक बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना। कभी भी कोई भी कथा मनोरंजन नहीं करती, मन का भंजन करती। और कथा की एक आपकी दुनिया की आदत है नीचे देखने की, दुनिया आंखों की आदत है नीचे देखने की। कथा का आइडिया बहुत ऊंचा है, कथा में हमेशा श्रोता नीचे बैठता, वक्ता ऊपर बैठता, तो ऊपर दिखाने की कला कथा करती है, ये अद्भुत है। इसलिए कथा मनोभंजन है, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन है। तो आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, लाइटें इतनी तेज हैं, गजबई है, धन्य है ऑस्ट्रेलिया। नहीं नहीं, हम दिख रहे हो, इतना भी बुढ़ापा नहीं है हमारा, दिख रहे हो, गजब दिख रहे हो, क्या चेहरा चमचमाता हुआ, मुस्कुराते हुए दांत, जय हो महापुरुषों। और हमारी माँ सामने विराजमान, इनकी बहू रानी भी विराजमान, सचिन भैया छिपे बैठे पीछे, हाँ सब लोग। ये माँ के संकल्प का प्रभाव है, कोई विकल्प नहीं बचा, हमें आना पड़ा, हमें आना पड़ा, कोई विकल्प नहीं बचा। खूब व्यस्तता थी भारत में, अभी 4 जुलाई को उत्सव था, खूब लोग आए, लेकिन हम थैंक यू, अब तो हो गया हैप्पी बर्थडे। हाँ ये कह सकते हैं, अपना तो एवरीडे हैप्पी बर्थडे है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, सच बताएं हम ये कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा राष्ट्र है जो द्वीप भी है और महाद्वीप भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन यहां आकर हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम भारत से बहुत दूर हैं। यहां की संस्कृति, ये बोध बुद्ध है, सम ऑस्ट्रेलिया आकर महिमा नहीं गा रहे, पर आई लाइक यू ऑस्ट्रेलिया, यस हमें बहुत पसंद आया ऑस्ट्रेलिया। हम माँ को सुबह प्रसाद पाने जब हम हवन करने नीचे उतरे कक्ष से, माँ को हमने बोला भी, इन लोगों को भी बोला, हमें बहुत पसंद आया यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रकृति पूजा, क्या अद्भुत है।
अब तो गड़बड़ा जाएगा, भारत वाले हमारे प्राण खा लेंगे, वो वहां भी तो बाबरे पागल पड़े हैं, सोच के ही चक्कर में तो आ गए हैं।